नमस्कार, धर्म टीवी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं पंचक की। दरअसल ज्योतिष में अशुभ समय होने पर शुभ कामों को करने की मनाही होती है। इसी के चलते पंचक के समय हर किसी को शुभ करने से रोका जाता है। पंचक है क्या और इसे अशुभ क्यों माना जाता है, इसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं मालूम। तो आइए आज जानते हैं कि आखिर क्यों पंचक को अशुभ कहा जाता है। दरअसल ज्योतिष में पांच नक्षत्रों के मेल से बनने वाले योग को पंचक कहा जाता है। जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि पर रहता है तो उस समय को पंचक कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार चंद्रमा एक राशि में लगभग ढाई दिन तक रहता है। इस तरह इन दो राशियों में चंद्रमा पांच दिनों तक भ्रमण करता है। इन पांच दिनों के दौरान चंद्रमा पांच नक्षत्रों घनिष्ठा, रथभिषा, पूर्वा भद्रपात, उत्तरा भद्रपात और रेवती से होकर गुजरता है। अंत है ये पांच दिन पंचक कहे जाते हैं। हर 27 दिन बाद नक्षत्र की पुनर्वृत्ति होती है, इस लिहाज से पंचक हर 27 दिन बाद आता है। इस बार पंचक शुरू होंगे। शास्त्रों में वर्णित है कि पंचक सर्वाधिक दूषित दिन होते हैं, इसलिए पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की ओर यात्रा नहीं करना चाहिए। घर का निर्माण हो रहा है तो पंचक में छत नहीं डालना चाहिए। घास, लकड़ी, कंडे या अन्य प्रकार के ईंधन का भंडारण पंचक के समय नहीं किया जाता है। शैया निर्माण यानी पलंग बनवाना, पलंग खरीदना, बिस्तर खरीदना, बिस्तर का दान करना पंचक के दौरान वर्जित रहता है। शास्त्रों में पंचक के दौरान जिन कार्यों की मनाही है उन्हें भूलकर भी इस दौरान नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें धर्म.tv और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के आइकन पर क्लिक करें।